वेलकम बैक इन दिस ब्लॉग। आप देख सकती हैं कि मैंने ये कॉर्नर कल ही डेकोरेट किया है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से पौधे हैं मेरे घर में, पहले से अवेलेबल थे ये सब, जिसमें सारे मनी प्लांट हैं। और मुझे नाम अक्सर पौधों के नहीं पता होते, आप देख सकते हो मैंने ये सारे पौधों को लगाया है और सारी चीज़ों को मैंने घर से ही यूज़ किया, मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है। ये कप है, बॉटल्स हैं और यहाँ पे मेरी बेटी ने ये बनाया था काफ़ी साल पहले, और ये है बुद्धा की मूर्ति जिसे मैंने यहाँ पे सजाया हुआ है। एक अगरबत्ती रखने वाला है, बहुत खूबसूरत लगता है जब इससे धुआं निकलता है। तो अब मैं आप लोगों को इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि इधर कुछ समय से मैं थोड़ा नेगेटिव फील कर रही थी, मतलब इमोशनल लेवल पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं लो फील कर रही थी, और मुझे जो इफ़ेक्ट मिला 24 घंटे के अंदर मिला, इसलिए मुझे लगा कि ज़रूर शेयर करना चाहिए। एक्चुअली कल मैंने इसको संडे के दिन सेट किया, सारा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया मैंने, और आप यकीन नहीं मानोगे कि मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। क्यों फील हो रहा था मैं इसे साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हमारी लाइफ में जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमें जन्म देते हैं, बट हमें ज़िंदा कौन रखता है। आपके पास सारी सुविधाएं हो, माँ बाप हो, खाना पीना हो, सब कुछ हो, ऑक्सीजन हो, आप ज़िंदा नहीं बचोगे। तो हमें ज़िंदा ये पौधे रखते हैं, है ना। मतलब एक तरह से हमारे माँ बाप के बाद ये हमारे दूसरे माँ बाप होते हैं, और शायद ये कहना चाहिए कि हमारे जन्म के बाद ये हमारे सबसे पहले माँ बाप हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें ज़िंदा रखते हैं। जब नेगेटिविटी से मैं गुजरती हूँ तो मैं पौधों के साथ टाइम बिताती हूँ और मुझे तुरंत रिजल्ट मिलता है, ये मैंने शुरू से नोटिस किया है, आज कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए मुझे ध्यान में आया कि थोड़ा सा अगर इमोशनल डिसबैलेंस फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, तो पौधे सजा लो और तुरंत उसका असर आ जाएगा। मैं जानती हूँ, मतलब हर चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं कराना है, इस चीज़ को आप समझो, कुछ चीज़ों को खुद में बैलेंस करने की कोशिश करो। अब जैसा कि मैंने आपको शेयर किया था कि मैं हेयर कट कराने वाली, तो देखो मैंने बाल कटा लिए, और कोरोना में लॉकडाउन के बाद मैंने बाल लंबे किए थे, मेरे बाल यूजुअली ऐसे ही रहते हैं, तो ये क्यों कराया मैंने, पहले भी तो लंबे थे, मैं कटवा सकती थी, लेकिन टल रहा था, बट जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी भी अगर नेगेटिव होने लगती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा होता या मेरा मूड लो होता है, तो मैं कुछ ना कुछ चेंज करती हूँ, चाहे वो घर में करूँ, अपने बॉडी पे करूँ, अपने ड्रेसिंग पे करूँ, खाने पीने में करूँ। मुझे पता है कि एक चेंज हमारे पूरे मूड में एक जर्क देता है और वो पॉजिटिव इफेक्ट लाता है, अगर आपने पॉजिटिव चेंज लाया है। तो चूँकि लंबे बाल संभालना मुश्किल होता है, इतनी गर्मी है, परेशानी है, तो वो मेरे सारे मूड को और ज़्यादा बैडली इफेक्ट कर रहे थे, और जैसे ही मैंने हेयर कट कराया, माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत रिलैक्स हुआ, क्योंकि ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है एक तरह से आप कहो तो। मतलब मेरी शादी के टाइम पे मेरे बाल ऐसे ही थे, मैंने कभी बाल लंबे ही नहीं किए, तो एक रिलैक्स फील हुआ कि चलो मैं पहले जैसी हो गई, मतलब मैं नेगेटिविटी से बाहर आ जाऊँगी। ये एक ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन इस चीज़ को समझता है कि कुछ चीज़ें पहले की जैसी हुई, क्योंकि लाइफ उस टाइम पर ज़्यादा बेटर थी या फिर मेरा इमोशनल बैलेंस ज़्यादा बेटर था, तो वो एक फ़ायदा हुआ। और बाकी का जो रहा सहा कसर था मेरे इन प्यारे प्यारे पौधों ने पूरा कर दिया, आप देख सकते हो। आई लव दिस। आपको ये बहाना नहीं बनाना है कि मैं इतना कैसे मैं करूँगी, क्या करूँगी। आप देखो ये जिस पे मैंने रखा है, ये सिंपल सी चौकी है, पूजा के लिए हमने बनवाई थी, अभी ये इधर उधर पड़ा हुआ था क्योंकि इसका हमेशा तो यूज़ करते नहीं है, आप पूजा तो हमेशा कराते नहीं हम घर में, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने इसके ऊपर रख दिया। ये कप है जिसका हैंडल टूटा हुआ है, देखो मैंने इस कप में डाल दिया। ये बॉटल है जिसका कैप टूट गया था, उसका ढक्कन टूटा हुआ था, मैंने इसमें पानी डाल के डाल दिया। और पानी के अंदर ये पौधे बहुत आराम से रहते हैं, मतलब कभी कभी तो बहुत लंबा चल जाते हैं, और कभी कभी इसमें जर भी आ जाता है, काफ़ी अच्छा चलता है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि पौधे ख़राब हो जाएंगे या कुछ भी। और जो पौधे पहले से लगे हुए थे मैंने उनको भी डेकोरेट कर दिया, और बुद्धा तो खैर शांति के प्रतीक हैं ही, तो मैंने उनको भी यहाँ पर जगह दे दी। और ये आप बुद्ध के पीछे देखो, तीन बड़े बड़े लीफ्स आपको मिलेंगे, ये मेरी बेटी ने लगाया है, उसे बहुत अच्छा लगा वो लाई। मेरे पास एक बड़ा सा पेड़ है मनी प्लांट का जिसमें बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, उसने बस उसको ऐसे ही पानी में रख करके डेकोरेट कर दिया। सी हाउ ब्यूटीफुल। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में अगर कोई भी डिसबैलेंस आ जाए, कोई नेगेटिविटी आ जाए, लो मूड के शिकार आप होने लगे, तो बस इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आ जाए, आप देखेंगे कि आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम दवाइयों पर निर्भर होते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, और उसका फ़ायदा कभी होता है कभी नहीं होता है, और केमिकल तो बॉडी में जाता ही जाता है।
तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इस तरह की चीज़ें ट्राई करें, आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और घर तो खूबसूरत हो ही जाता है। और देखो आप मेरा ये कॉर्नर कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ बैठना इट्स लवली। तो बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहें और मेरे साथ सीखते रहें। आती हूँ फिर से किसी वीडियो के साथ में, तब तक लिए बाय बाय।